देवास के हाईवे पर एक क्रूड ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे के कांच तोड़कर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद ड्राइवर को रेस्क्यू कर कैबिन से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रहने वाला राजेंद्र सिंह क्रूड ऑयल से भरा हुआ टैंकर लेकर उदयपुर जा रहा था। इसी दौरान देवास हाईवे पर टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक राजेंद्र बुरी तरह से फंस गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को बाहर निकाला। इसके बाद मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। वहीं ड्राइवर को रेस्क्यू करने के दौरान यातायात थाना प्रभारी पवन बागड़ी के हाथ में कांच लग गया, जिसका उपचार जारी है। जेतपुरा के पास में इसमें क्रूड ऑयल भरा हुआ था एक टैंकर में, तो जो यहाँ पे आगे वो पलट गया है, जिसमें ड्राइवर उसे फंसा नहीं गया था, जिसमें हमारे जो निरीक्षक हैं पवन बागड़ी और गोविंद और ट्रैफिक वाला बल और डीएनपी का बल सबने मिलकर उसको निकाला है, तो हमारे निरीक्षक के हाथ में चोट भी आई, उसका कांच अंदर लगा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।